हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स का टॉपिक नंबर 12.5, जो कि ईएमटी की एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। ईएमटी में हमारे पास चार इक्वेशंस थी, ठीक है, उनमें से ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन का नाम है गॉज़ लॉ। ये है क्या, इसको आप सिंपल सा ये समझ लो कि ये एक अल्टरनेट है कूलम्स ला का। अब अल्टरनेट ना, बड़ा आसान सा अल्टरनेट है कूलम्स ला का, कूलम ला थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। हमें अगर आपको याद हो, मैं पहला लेक्चर इधर पिन भी कर देता हूँ कूलम्स ला का, उसे देख लेना। उसके एंड में ना आपने देखा था यार, अगर मल्टीपल आपके पास चार्जेस हों तो मल्टीपल फोर्सेज होती हैं और फोर्स एक म्यूचुअल क्वान्टिटी है भाई। म्यूचुअल क्वान्टिटी को सॉल्व करने के लिए आपको वैक्टर्स को देखना पड़ता है, किधर 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 ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा चार्जेज हैं। इसका मतलब है कि अगर फोर्सेस के आप नेट सम लोगे तो इसका मतलब है सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल आप ना सिर्फ फोर्सेस पे लगा रहे हो बल्कि आपको कहाँ पर लगाना पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो वहाँ पर भी लगाना पड़ जाएगा, डायरेक्शंस इंक्लूड हो जाएंगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन गॉज़ का आता है जानी टेंशन नहीं लेनी, भाई है ना, भाई करके देगा ऐसे, भाई साहब ऐसे करके देते हैं कि आपको सिंपल सा एक ही चीज़ बताएंगे और उससे आप किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लोगे, मसला ही कोई ना, बी करके देते हैं। गॉज़ भाई का पूरा नाम था कार्ल फ्रेडरिच गॉज़, ठीक है, 1930 में इसने, भाई साहब ने अपना ये गॉज़ लॉ पेश किया। इसकी मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, देन हम कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। स्टेटमेंट शायद पल्ले ना पड़े शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पल्ले पड़ जाएगी जब हम एंड तक पहुँचेंगे ना इसके अंदर, के एंड तक हुआ क्या इसमें। The total flux, इधर flux का मतलब है electric flux, the total flux through any closed surface is 1/ε0 times the charge enclosed by that surface। शुरू में नहीं समझ आएगी, ऐसे ऐसे समझ आएगी, इसको इधर लिख ही रहने देते हैं। हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या कैलकुलेशन के लिहाज से बनती है। चलो आ जाओ, अभी इससे पहले हमने पीछे वाला देखा था एक टॉपिक कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमने देखी थी एनी क्लोज सरफेस, ठीक है, तो वो टॉपिक भी मैं इधर ये पिन कर रहा हूँ, आप देख लेना। तो उस टॉपिक को अगर आप रिवाइज करके वापस इधर आते हो तो हमने अब किसी भी सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना है भाई, वो हमने किया भी था, लेकिन गॉज़ लॉ की कैलकुलेशंस भी करेंगे कि वो जो क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स है ये कैसे आसानी प्रोवाइड करता है हमें बनिस्बत के कूलम्स लॉ, ये भी देख लेते हैं। अब हुआ क्या, अब अगर आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस है, कोई भी, उसने कहा सर ये 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 बता दें सर ये क्लोज सरफेस है, मैंने कहा जानी ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, आर्बिट्रेरी सरफेस है, उसने आर्बिट्रेरी, उसने एनी शेप, कोई भी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है अननोन, एनीथिंग। उसने कहा सर, मैंने कहा यानी ये भी क्लोज सरफेस है, उसने कहा सर जी ये, मैंने कहा क्लोज सरफेस, उसने कहा ये, मैंने कहा क्लोज सरफेस है, उसने कहा सर ये क्लोज सरफेसेस है, ये यहाँ पर ना बोर्ड पे आपको टू डायमेंशन लग रही हैं, ठीक है, रियल में थ्री डायमेंशन में कैसे होंगी क्लोज सरफेस। जैसे कि इस वक्त ये जो लेक्चर हो रहा है एक रूम में हो रहा है रिकॉर्ड, तो इस रूम को मैं क्लोज सरफेस कहूँगा, मैं कहूँगा इसकी सारी दीवारों को बाहर से देखोगे एक क्लोज सरफेस है, क्योंकि ये रूम एक क्लोज शेप में है, इसके अंदर सारी साइडों में दरवाजे दरवाजे बंद कर दूँ, ना कोई अंदर आ सके ना बाहर जा सके, तो मैं कहूँगा ये क्लोज्ड है, ठीक है, सेम यानी क्लोज सरफेस है। अब बुक ने क्या किया, बुक ने इसकी जगह ये आपके मैंगो टाइप सी एक सरफेस ली है, इस तरह की, जैसे मैंगो नहीं होता ये, ऐसे बचपन में बनाया भी होगा, चलो मैंगो ही बना लेते हैं, लो ये मैंगो टाइप सरफेस ही है। उसने कहा इस सरफेस के अंदर ना मल्टीपल चार्जेस पड़े हुए हैं, मैंने कहा कितने के पड़े हुए हैं, उसने कहा सर एन चार्जेस पड़े हैं, मैंने कहा एन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, थोड़ी मेहरबानी कर यार, एन पे बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है फील्ड्स। उसने कहा सर आप गॉज़ में चल रहे हैं सर, गॉज़ में है भाई, गॉज़ के अंदर सर आपको इतनी खपत नहीं करनी पड़नी, मैंने कहा क्यों सर, आप कहता आप करें, आप बस करें, आप ना एन चार्जेस ले लें, मैंने कहा अच्छा जगह जगह लेना, उसने कहा हाँ जी सर, मैंने कहा Q1 ये ले लिया, Q2, Q3, Q4, Q1।
अच्छा मैंने कहा चलो एक बार ना मैं इसे सिंपलीफाई करने के लिए ना मैं सपोज कर लेता हूँ मेरे पास दो ही चार्जेस हैं। उसने कहा सर कार लो, लेकिन हमने एन पे कैलकुलेशन करनी है। मैंने कहा जानी यहाँ से। उसने कहा सर अगर आप इसको देखो तो क्या ये चार्ज अंदर पड़ा है। मैंने कहा पड़ा है। कहता सर इनको निगलेक्ट कर दो एक बार। मैंने कहा कर दिया। कहते सर अगर आप इस सिंगल चार्ज को देखो तो आपको ऐसे नहीं लग रहा जब हमने पीछे सफ़ेद वाला टॉपिक किया था उस टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि इसके ऊपर जो फ्लक्स होगा इस पूरी सरफेस से वो जस्ट होगा 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनको जो कि Q1 था। मैंने कहा हाँ हाँ उसकी कैलकुलेशन हमने कुछ निकाली थी और उसके लिए जो फ्लक्स हमारे पास बना था वो 5-1 इसे मैं कह देता हूँ वो 5-1 था। आपने कहा था सर वो आया था Q1/ε0। मैंने कहा हाँ यार वो हमने देखा था, वहाँ हमने प्रूव भी किया था कि वो जो फ्लक्स है वो सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। मैंने कहा अच्छा। कहता सर अगर आप Q2 के लिए लिखें तो फ्लक्स 2 बनेगा Q2/ε0। मैंने कहा लेकिन मैंने कहा यार इसके पीछे की साइंस तो बता, चलो ये तो आर है ना साइंस बता। उन्होंने कहा सर ये देखो Q1 है। मैंने कहा उन्होंने कहा सर ये फील्ड फेंकेगा, ये हर डायरेक्शन में फेंकेगा, ऐसे हर डायरेक्शन के ऊपर यहाँ पर इसकी जो फील्ड लाइन्स हैं वो एग्जैक्टली बिल्कुल परपेंडिकुलर गिरेगी सरफेस पर और इसके वेक्टर एरिया के कैसे गिरेगी बिल्कुल पैरेलल ऐसे आएगी इधर इधर। तो पैरेलल होने के बाद कॉस थीटा 0 कॉस 0 1 हो जाएगा। देन एंड में जब आप उसको रिजोल्व करोगे आंसर को तो आ जाएगा Q1/ε0। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अब कहता सर अगर हम दो को देखें तो दो पे आप कहोगे सर इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी भी। मैंने कहा हाँ यार चलो इसकी फील्ड्स मैं ब्लू से बना देता हूँ। इसकी फील्ड्स यूँ हैं आउटसाइड, अगर आउटसाइड का मतलब है कि अगर ये Q2 आपका कैसा चार्ज है पॉजिटिव। मैंने कहा हाँ यार। और कहता Q1 सर कहता है वो भी एक बार पॉजिटिव ले लो। अब मुझे पता है कि इस जगह पर फील्ड के चांसेस बड़े कम हो जाने। उसने कहा सर क्यों। उसने कहा सर ये दोनों ना दोनों ये Q1 भी पॉजिटिव आपने ले लिया Q2 भी पॉजिटिव ले लिया जिसकी वजह से इन दोनों में लड़ाई हो जानी और ये फील्ड्स आपस में वैक्टर्स की वजह से किसी ना किसी पॉइंट पर कैंसिल आउट हो जाने। मैंने कहा अच्छा अच्छा। उसने कहा सर यहाँ पर, उसने कहा सर जो Q3 है वो अगर पॉजिटिव हुआ तो इसके दरमियान में कहीं कैंसिल आउट हो गया, अगर Q3 आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो बढ़ेगी भी सेंटर में बढ़ भी सकती है, लेकिन ओवरऑल जो फील्ड है वो इसके इर्द गिर्द सिर्फ बाहर बाहर से पहुँचनी है। अभी समझ नहीं आ रहा, आगे चलते हैं समझ आ जाएगा। अच्छा उसने कहा सर ये Q2 ले लिया, उसके बाद Q3 के ऊपर क्या होगा Q3/ε0। तो मैंने कहा फिर एन फ्लक्स क्या होगा। उसने कहा सर Q(N/ε0)। मैंने कहा अच्छा अच्छा। अब वो कहता है सर टोटल फ्लक्स कितना होगा सर। मैंने कहा यार टोटल पे तो मुझे पता है कि टोटल फ्लक्स जो भी होगा फ्लक्स ही कह लेते हैं इसे स्मिशन N होगा और स्मिशन I कह लेते हैं, I 1 से चलेगा और N तक जाएगा यानी कि N आपके पास फ्लक्स है। तो इसका मतलब है कि इसको अगर मैं ओपन फॉर्म में लिखूँ तो मैं लिखूँगा टोटल फ्लक्स आ जाएगा ∅1 ∅2 ∅3 ∅4 ∅N। उसने कहा हाँ जी सर ये तो पढ़ा था। अब N आपके पास कुछ भी हो सकता है। N बुक ने आई थिंक 3 से 4 चार्जेस लिए, आप 4 ले लो, 5 लिए, 6 ले लो, 7 ले लो, जितना आपका दिल करता है वो आप यूज़ कर सकते हो उसके अंदर। ये जनरल फॉर्म में कर रहा हूँ इसलिए मैंने N ले लिया क्योंकि मोस्टली हमारी कैलकुलेशन N के लिए ऐसे ही चलती है। उसने कहा सर इनकी वैल्यूज पुट करें। मैंने कहा लो सर Q1/ε0 Q2/ε0 ∀ Q(N/ε0)। उसने कहा सर ये ε0 जो है ना एक कॉन्स्टेंट है। मैंने कहा यार पता है मुझे, तो 1/ε0 क्या आ जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा Q1+Q2+Q3/ε0 अच्छा उसने कहा सर ये चार्जेस हैं। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा सर ये अगर चार्जेस हैं तो हमने पता है कि ये चार्जेस कैसी क्वांटिटी है। मैंने कहा स्केलर। कहता स्केलर को तो सर जमा माइनस कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ यार स्केलर को तो जमा माइनस कर सकते हैं। तो उसने कहा सर इनको जमा माइनस करें। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जमा माइनस का मतलब। उसने कहा सर सपोज करो ये है जी आपके पास +6 कॉलम का, ये है जी -3 कॉलम का कर लेते हैं, ये है जी +1 कॉलम का, ये है जी -4 कॉलम का, ये है जी +9 कॉलम का। तो उसने कहा सर देखो 6 और 3 +3 +3 में से गया -1 +1 तो टोटल सिर्फ क्या बचेगा 9 कॉलम। तो मैंने कहा इधर सिर्फ 9 पुट करना है। उसने कहा जी सर स्केलर है। मैंने कहा अच्छा तो इसका मतलब है, इसके बाद कैलकुलेशन ये यहाँ से पकड़ के हम यहाँ लेके आते हैं ताकि डेफिनेशन भी रहे हमारी इधर। तो इसका मतलब है जो टोटल फ्लक्स है वो क्या है 1/ε0 टाइम इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज।
टोटल चार्ज क्या है? उसने कहा सर टोटल चार्ज इसको आपने छोटे छोटे चार्जेस को क्यू कह, टोटल चार्ज को आप कैपिटल क्यू कह लो। और ये जो हमारे पास इक्वेशन वन बनी है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं गोजेज लॉ। इसका मतलब है कि वहाँ पर फ्लक्स के लिए हमें कूलम्स भाई के मुताबिक या कूलम्स लॉ के मुताबिक ई चाहिए था फ्लक्स के लिए, प्लस एरिया भी चाहिए था। देन ये इतनी बड़ी लंबी कैलकुलेशन होने के बाद टोटल फ्लक्स निकलना था, और इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपर पोजिशन लगा लगू कर होनी थी कैलकुलेशन, इतनी कॉम्प्लेक्स। तो गोजेज ने कहा जानी सिर्फ और सिर्फ टोटल चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो वन ओवर एप्सिलॉन नॉट से। अच्छा, मैंने कहा एप्सिलॉन नॉट, उसने कहा सर ये तो परमिटिविटी है पड़ा है एम्प्टी स्पेस की, तो आप पुट करेंगे तो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी। जब मैंने इसे किया और जब मैंने कोई दो चार घंटे लगा के इससे किया, आंसर सेम है, तो फिर मुझे आसान कौन सा लगा? उसने कहा सर गोजेज लॉ लगेगा, एक मिनट में काम हो रहा है आपका। मैंने कहा अच्छा, तो इसलिए गोजेज लॉ को ये अहमियत है कि ये ई एम टी की हमारी एक इक्वेशन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, ई एम टी की फर्स्ट इक्वेशन इसे बोला जाता है, तो गोजेज लॉ ई एम टी की फर्स्ट इक्वेशन भी है। तो ये वाली कहानी। अच्छा, अब इसके पीछे कंसेप्ट वाली बात आ रही थी। उसने कहा सर ये तो स्केलर के लिहाज से आपको समझ आ गया, अब इसके पीछे की साइंस आप बात कर रहे थे। मैंने कहा यार ये चार्जेज हैं, उसने कहा है, इसकी फील्ड्स होंगी। मैंने कहा हैं, फील्ड्स के मुताबिक कुछ फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होंगी और कुछ एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, सपोर्ट कर रही होंगी, लेकिन ओवरऑल जो इधर से फील्ड निकलनी है वो एक ही निकलनी है। क्यों? उसने कहा सर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती, क्रॉस नहीं करेंगे तो एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगी, तो यहाँ से निकलते वक्त एक ही फील्ड होगी जिसकी वजह से सिर्फ एक ही फ्लक्स पॉइंट बनना है यहाँ पर, इधर भी इधर भी इधर। और जब हम इन सबको जमा करेंगे तो हमारा इफेक्ट टोटल चार्ज पे ही जाएगा अंदर, अलग अलग चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब इसको ज़रा पढ़ो, क्या इसको हम ये कह सकते हैं वन ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसके दरमियान में अगर मैं मल्टीप्लाई का लगा दूँ तो ऐसा नहीं कह रहा कि जैसे वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इतने गुना किसका, क्यू का इतने गुना। तो अब इस स्टेटमेंट को बोलो जी टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी सरफेस, लेकिन क्लोज सरफेस का याद रखना इधर, इज वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज इन क्लोज बाई दैट सरफेस। अच्छा टोटल नहीं लिखा, द टोटल चार्ज इन क्लोज बाई दैट सरफेस, तो उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है उस टोटल चार्ज के साथ वन ओवर एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैंने कहा फिर तो गोजेज लॉ को काट गया ये, कूलम्स लॉ को ये काट गया। उसने कहा जी सर। अब इसकी ना हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है, ये पॉइंट ये कंसेप्ट थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा हम इसके नेक्स्ट, इसका टॉपिक है टॉपिक नंबर 12.6, हम उसे देखते हैं। उस टॉपिक का नाम है जी एप्लीकेशन ऑफ गोजेज लॉ। ठीक है जी, हम एप्लीकेशंस को देख लेते हैं कि एप्लीकेशंस में क्या क्या चीजें हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गोजेज लॉ, एप्लीकेशंस क्या है कि भाई कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है गोजेज लॉ। अब हमें पता है कि यार कूलम्स को छोड़कर हम गोजेज लॉ को यूज कर सकते हैं, इजी है, आसान है, काम इजीली हो जाता है। तो इसके अंदर ना सबसे पहले होलोस्फेयर की, कि भाई आपके पास एक चार्ज मेटल होलोस्फेयर है, इसकी तीन एप्लीकेशन है भाई। बोर्ड में हमारे पास मोस्टली आता है कि गोजेज लॉ, साथ हमसे ना इन तीनों एप्लीकेशन में से कोई एक एप्लीकेशन पूछ लेता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो आ जाए, खैर है, आपको तीनों आनी चाहिए, कोई भी पूछ ले आपको आनी चाहिए। ठीक है, जो ए है इसमें सबसे पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहां पर? इनसाइड अ होलो चार्ज कंडक्टर। एक होलो चार्ज, होलो कहते हैं खोखले को, एक खोखले कंडक्टर, जैसे ऐसे समझ लो एक फुटबॉल है लेकिन वो लोहे का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ठीक है, अब वो चार्ज जो है वो मटेरियल कैसा है, चार्ज, उसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ, ऊपर पड़ा हुआ कहाँ पर पड़ा, बस हमें नहीं पता, हमें पता है कि भाई हमारे पास जो भी है उसके चार्ज पड़ा हुआ है उस मटेरियल के ऊपर, लेकिन कैसा है, कंडक्टर है, एक पॉइंट। दूसरी चीज़, गोजेज लॉ को सॉल्व करने के लिए या किसी भी चीज़ के इस गोजेज के एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए कुछ चार पांच स्टेप्स, उस स्टेप्स आप याद रख लो, आप किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर लोगे। इधर मैं गोजेज लॉ के स्टेप्स लिख देता हूँ, ठीक है जी, आप बना लेना जितने मर्जी,
जितना आपका दिल करे। सबसे पहला आपने एक क्लोज सरफेस सेलेक्ट करनी है, ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट है। कहाँ पर उसने उसे कहाँ पर करनी है, मैंने कहा जहाँ पर वो कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करो, उस जगह पर आपने क्या सिलेक्ट करनी है, क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। और इस सरफेस को भाई ने नाम दिया अपने नाम पे, गॉसियन सरफेस, ठीक है जी। दूसरा स्टेप, आपकी सरफेस की चॉइस कुछ यूं हो कि वो आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाए। उन्होंने कहा सर ये तो हमें पता है, हम अपनी आसानी के लिए ना कुछ भी करेंगे, यानी कि चॉइस शुड बी कैलकुलेट फ्लक्स, फ्लक्स की कैलकुलेशन के लिए चॉइस आसानी हो, वो जो ई डॉट ए वाले फार्मूले वाला। तीसरा, तीसरे में क्या करना है, आपने फ्लक्स को कैलकुलेट कर लिया, तीसरे में आपने क्या करना है, चार्ज को देखना है। चार्ज की आइडेंटिफिकेशन करनी है। उसने कहा कहाँ पर, मैंने कहा जहाँ पर आपने फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इसका मतलब है जहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो फिर यही होगा, क्लोज सरफेस। अच्छा, चौथा पॉइंट, कंपेयर द इक्वेशंस। उन्होंने कहा भाई कौन कौन सी इक्वेशंस आ गई यहाँ पर। उसने कहा सर एक इक्वेशन गॉसियन लॉ वाली और दूसरी इक्वेशन फील्ड इंटेंसिटी फ्लक्स वाली। अच्छा सर ये समझ नहीं आया, करके दे दें। मैंने कहा चलो यार कंफ्यूज ना हो, करके दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये पॉइंट शायद आज के हमारी कैलकुलेशन में इतने ना हो, लेकिन हम जब अगली जाएंगे आगे वाले में तो वहाँ पर ये ज़रूर देखेंगे, ये वाले पॉइंट्स जो आगे इसकी दो एप्लीकेशन हैं ये वहाँ पर यूज़ होंगे जरूर। अच्छा जी, अब क्या है कि होलोस्फेयर है, होलोस्फेयर मीन कि हमारे पास जो है इनसाइड अ होलो चार्ज कंडक्टर स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर। स्फेयर का पता है नहीं पता, गोल थ्री डायमेंशन चीज स्फेयर है, टू डायमेंशन चीज सर्कल है। तो इधर ये समझ लो एक फुटबॉल बना हुआ है स्टील का। अब वो कहता है कि भाई ना इसके ऊपर चार्ज पड़े। कंडक्टर के अंदर ये खसूसियत है कि अगर आप किसी कंडक्टर की सरफेस पर चार्ज फेंको तो वो चार्ज सारे का सारा उसकी सरफेस पर आ जाता है, यानी कि अंदर वाली साइड पर नहीं जाता। तो मैंने कहा कि भाई चार्ज कहाँ पर आएगा, उसने कहा सर ये चार्ज फेंक दे और ये सारे का सारा कहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, उस भाई की सरफेस के ऊपर। उसने कहा सर पॉजिटिव ले रहे नेगेटिव नहीं ले सकते, मैंने कहा यार जो मर्जी ले ले सर ना खा। अच्छा अच्छा, उसने कहा सॉरी सर, लो जी। उसने कहा सर पॉजिटिव ले लेते हैं, चलो आसानी रहती है, पॉजिटिव चार्ज ले लिया। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा भाई ने, हमसे ये पूछा कि कहाँ पर देखनी है, इनसाइड, इनसाइड देखनी हमने फील्ड। पहले तो हम इसे मैथमेटिकली करेंगे, देन इसको कंसेप्ट वाइज देखेंगे कि अंदर फील्ड वाकई जीरो क्यों बनती है। सबसे पहले इसने कहा सर अंदर देखनी है, तो अंदर के लिए हम एक क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस को लेंगे। मैंने कहा यार ये ले लिया। अब हमें पता है सेंटर से गॉसियन सरफेस का रेडियस आर है और जो एक्सटर्नल सरफेस इसका चलो आर प्राइम कर लेते हैं और एक्सटर्नल का आर कर लेते हैं। बुक का देख लेना, बुक ने जो भी किया हो आप उस हिसाब से कर सकते हो, हमारी मर्जी है ये। अब हमने ये कर लिया। अब बंदे ने कहा कि सर इस सरफेस के अंदर आपने देखना है, तो मैंने कहा यार गॉसियन सरफेस तो हमने बना ली। अब वो कहता है कि सर अब हमने देखना है टोटल चार्ज, ठीक है, पहले गॉसियन सरफेस, फिर उसके बाद सरफेस की चॉइस ऐसी हो कि हमारी कैलकुलेशन आसान कर दे। अब मैंने गोल इसलिए किया कि मुझे पता है ये गोल इसके साथ हर पॉइंट पर पैरेलल जा रही है, हमारी आसानी ये है कि चार्ज चूँकि हर डायरेक्शन में फेंकेगा तो फील्ड हर डायरेक्शन में कैलकुलेशन के लिए आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने गोल ऐसे स्फीयर टाइप की सरफेस ली। चार्ज आइडेंटिफिकेशन, अब हमने देखना है कि जहाँ पर इनसाइड फील्ड फाइंड करनी है, तो इनसाइड वो कह रहा है चार्ज देखो। क्योंकि यार चार्ज तो आपने कहा था सर सारा सरफेस पे और कंडक्टर के अंदर चार्ज सारा वैसे ही सरफेस पे चला जाता है, तो अंदर चार्ज कितना है। उसने कहा सर अंदर चार्ज जीरो है। मैंने कहा अच्छा कंपेयर द इक्वेशन, तो पहले चार्ज को देखें, चार्ज जीरो है। अब हम इक्वेशन लिखते हैं गॉसियन लॉ की। गॉसियन लॉ की इक्वेशन थी फाई वन ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। अच्छा ये दो चीज़ें फ्लक्स इस पर डिपेंड कर रहा है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, चार्ज पे और मीडियम पे, ठीक है। तो गॉसियन लॉ में भी है चार्ज और मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अंदर चार्ज कितना। उसने कहा सर जी जीरो, तो मैंने कहा फिर फ्लक्स कितना आया, जीरो। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप,
नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कंपेयर द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन भाई? उसने कहा सर एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है फ्लक्स की, ई डॉट ए वाली, और मैंने कहा दूसरी, उसने कहा सर दूसरी ये रही। अब इस इक्वेशन के मुताबिक फ्लक्स कितना बन रहा है, जीरो। अभी मैंने बताया कि जब मैंने दोनों कैलकुलेशंस की गॉसेस लॉ में, एक गॉसेस लॉ के मुताबिक और एक कूलम्स के मुताबिक, आंसर सेम है। इसका मतलब है जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी है। चलो लगा दो, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, जीरो। तो जरा जीरो तो पुट करो, क्या बना ई डॉट ए। तो यहाँ से एरिया तो भाई कभी जीरो होता ही नहीं। उसने कहा सर जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसका एरिया जीरो नहीं होता। इसका मतलब है गॉसियन सरफेस है या जो भी हमने सिलेक्ट की है इसका एरिया तो जीरो नहीं कर सकते। अगर एरिया जीरो कर देंगे तो ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसका मतलब है एरिया तो जीरो नहीं है। या हम बाइट वाले स्फेयर की बात कर लेते हैं, लेकिन फिर क्या जीरो होगा इस इक्वेशन के मुताबिक? उसने कहा सर फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। मैंने कहा क्या बात है, इसका मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। तो कैलकुलेशन बड़ी आसान होगी। अब ज़रा इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले टॉपिक के मुताबिक ज़रा सॉल्व करके देखें तो हमें इसकी साइंस भी समझ आ जाएगी, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाएगी, हमें वेक्टर्स ड्रा करने पड़ जाएंगे। उसके मुताबिक मैं गॉसेस वाले सारे स्टेप उड़ा देता हूँ। लो जी, अच्छा कोई बंदा कहे सर इसके बाहर होगी, मैंने यार बाहर होगी। उसने कहा कैसे? उसने कहा सर बाहर कैलकुलेट करने थे गॉसियन सरफेस बाहर ड्रा करेंगे, क्या उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्जेस हैं? मैंने कहा हैं। तो उसने कहा सर अगर चार्जेस आना वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाजमी बात है होगी। अच्छा अच्छा, उसने कहा सर समझ आ गया। अब मुझे बताओ कि इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अंदर आएगी और इस भाई की भी आएगी। अब कंडक्टर्स के अंदर यह है कि इसके ऊपर जब आप चार्ज फेंकोगे स्प्रिंकल करोगे तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर आप 10 फेंकोगे तो 10 में से ऐसे समझ लो 5 अपर हाफ में चला जाएगा 5 लोअर हाफ में, बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये इधर आ गई, इससे आएगी तो इससे आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, सब साइडों से वैक्टर आएंगे। क्या सेंटर पर जितने भी वैक्टर्स हैं वो सब इक्वल डिस्टेंस हैं? तो वो हर पॉइंट पर दूसरे अपने ऑपोजिट साइड वाले वेक्टर को क्या कर देगा, कैंसल आउट। तो मैंने कहा भी नेट कितना बचेगा उधर, जीरो। इसी तरह सारे एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे तो नेट फील्ड कितनी बचेगी, जीरो। सेम लाइक कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से क्या आपको ये नहीं लगा कि इसके दरमियान में फील्ड होगी? उसने कहा सर फील्ड होगी। उसने कहा कितनी होगी, जीरो। उसने कहा क्यों? उसने कहा सर असल में हुआ ये था कि एक वेक्टर भाई का इधर से आया इधर से, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के, तो दोनों के वेक्टर्स ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो नेट आंसर जीरो बना था। मैंने कहा अच्छा अच्छा ये साइंस है, तो इधर ये साइंस कम्प्लेक्स, अगर हम इसको मेजरमेंट्स कर करके करेंगे तो इस जो हमारा वो कूलम्स वाला है उससे ज़रा डिफिकल्ट हो जाएगी। लेकिन गॉसेस ने क्या कहा, उसने कहा बस आपने एक काम देखना है, चार्ज देखना है तो होगी, नहीं है तो नहीं होगी। मैंने कहा लो जी गॉसेस लॉ बड़ा आसान है, ज़िंदगी में आसानी पैदा कर दी। ये स्टेप हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए